पहले खबर, जहां 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए मतदान मंगलवार को होगा और आज रवाना होंगे सभी मतदान दल। दो बार सैनिटाइज होंगे केंद्र। सुरक्षा बलों ने संवेदनशील क्षेत्रों में मोर्चा संभाल रखा है। 9,361 मतदान केंद्रों पर लगभग 63,67,751 मतदाता मतदान करेंगे। मतदान संपन्न कराने में 56,000 मतदान कर्मी की ड्यूटी लगाई गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था होगी और अंतिम एक घंटे असामान्य तापमान वाले मतदाता मतदान करेंगे। आयोग के निर्देश हैं, 1,000 से ज्यादा मतदाता किसी भी केंद्र पर नहीं, प्रत्येक मतदान केंद्र पर दो दो कर्मचारी अतिरिक्त रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ के मरवाही में भी उपचुनाव होना है, लिहाजा वहां पर भी कोरोना की गाइडलाइन और चुनाव आयोग की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में किस तरीके से दिशा निर्देश चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए हैं, क्योंकि इस बार कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए ही तमाम व्यवस्थाएं हैं और सुरक्षाएं हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि अतुल हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ से हमारे साथ वैभव शिव पांडे भी लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अतुल, मैं आपके पास आऊंगी और जानना चाहूंगी कि क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि इस बार कोरोना काल को भी ध्यान में रखा जा रहा है। कितनी सुरक्षा व्यवस्था या मतदान केंद्रों पर कैसी व्यवस्थाएं देखने को मिल सकती हैं अतुल? अतुल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन वैभव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ रायपुर से। वैभव, माफ कीजिए, मरवाही से। वैभव, किस तरीके के इंतजाम पहले से नजर आ रहे हैं, चाहे वो केंद्रों को सैनिटाइज करने को लेकर के हो, क्योंकि कोरोना काल को भी ध्यान में रखा जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था का कितना ख्याल रखा जा रहा है? जी वैभव, देखिए बुसरा, काफी इंतजाम किए गए हैं कोरोना के मद्देनजर। जो 1,068 मतदाता ऐसे हैं जो कि कोरोना संक्रमण की चपेट में आए हैं या फिर 80 वर्ष की उम्र से अधिक हैं या दिव्यांग हैं, ऐसे 1,068 मतदाताओं का जो है डाक मत पत्र से मतदान कराया गया है और वो डाक मत पत्र जो है जिला प्रशासन के पास यानी कि निर्वाचन आयोग के पास पहुंच चुका है। दूसरी ओर जितने भी मतदान केंद्र हैं, कुल 286 मतदान केंद्र मरवाही विधानसभा क्षेत्र में हैं, उन सभी मतदान केंद्रों में हैंड सैनिटाइजर और ग्लव्स का जो है इस्तेमाल होगा और जितने भी मतदाता वहां पे पहुंचेंगे सबको सैनिटाइज किया जाएगा, उनको ग्लव्स दिया जाएगा और उसके बाद वो मतदान करेंगे। 1,300 सुरक्षा कर्मी सभी मतदान केंद्रों में तैनात किए गए हैं। जो 126 संवेदनशील मतदान केंद्र है वहां पे अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मरवाही विधानसभा क्षेत्र के लिए 3 सीआरपीएफ की कंपनियां भी जो है तैनात है ताकि किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो। खास तौर पे जो दूसरे जिले के जो बल हैं उनको मतदान केंद्रों में तैनात किया गया है ताकि कहीं किसी भी तरीके से कोई भी ये सवाल निष्पक्षता को लेकर के ना उठे कि कहीं कोई पक्षपात हो रहा है। कुछ आशंकाएं जो है विपक्षी दलों की तरफ से जताए गए हैं तो उसके मद्देनजर विशेष तौर पर निगरानी सभी मतदान केंद्रों में रखा गया है। सभी मतदान केंद्रों में सीसीटीवी लगाए गए हैं ताकि कोई भी जो है ऐसी बात सामने ना आए कि फर्जी मतदान किया गया है, बोगस मतदान किया गया है। तो काफी व्यापक स्तर पर तैयारियां यहां पर जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई है और उसी तैयारियों के मद्देनजर ये विधानसभा चुनाव 3 नवंबर को संपन्न होने जा रहा है। देखिए 146 जो मतदान दल है वो कल रवाना किए गए थे और आज 140 मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। तो कोशिश है कि कोरोना संक्रमण की गाइडलाइन जो है उन गाइडलाइन के बीच ये पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो और उसमें किसी तरह की कोई अवहेलना ना हो, तो उसके मद्देनजर तैयारियां यहाँ पे जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। चलिए वैभव, लौटूंगी आपके पास। अतुल भी हमारे साथ मध्य प्रदेश भोपाल से जुड़े हुए हैं। अतुल, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
जी अतुल, जानना चाहेंगे कि मतदान केंद्रों पर किस तरीके की व्यवस्था या दिशा निर्देश चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए हैं, क्योंकि कोविड-19 का भी ध्यान रखना है। देखिए बिल्कुल बुशरा, जिस तरीके से कोरोना महामारी के बीच में मध्य प्रदेश में पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं, ये चुनाव काफी दिलचस्प भी हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि यही उपचुनाव तय करेंगे मध्य प्रदेश की दशा, दिशा और आने वाली सरकार को। हालांकि जिस तरीके से देखने को मिलता है कि निर्वाचन की जो तैयारी है, लगभग जो 28 सीटें हैं उस पर 9,300 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें अलग अलग तरीके से एक पोलिंग बूथ के ऊपर लगभग 1,000 मतदाता रखे गए हैं। वही अगर हम पूरे 28 सीटों के मतदाताओं की बात करें तो लगभग 63 लाख मतदाता है, जिसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो पुरुष जो मतदाता है वो 23 लाख है और महिलाओं मतदाता की हम बात करें तो 29 लाख के लगभग है। वही थर्ड जेंडर जो मतदाता है, 198 जो है थर्ड जेंडर जो है मतदाता रहेंगे, और साथ ही 18,000 जो है सर्विसेज वोटर्स यानी जो शासकीय कर्मचारी हैं वो वोटर रहेंगे, यानी कुल मिलाकर 63 लाख के लगभग पूरे 28 सीटों पर मतदाता अपना मतदान का जो है उपयोग करेंगे। हालांकि अगर कोविड की बात करें और कोविड के जो नियम बनाए गए हैं, जिसके बीच में चुनाव भी जो है कल होने जा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण ये रखा गया है कि जो पोलिंग बूथ की जो संख्या है वो 2018 की अगर हम संख्या देखें तो लगभग 18% संख्या बढ़ा दी गई है, यानी 2018 के जो चुनाव थे उस समय की जो पोलिंग बूथ की जो संख्या थी और अब जो 28 विधानसभाओं में पोलिंग बूथ की संख्या है उसमें लगभग 18% वृद्धि कर दी गई है। कारण कहीं ना कहीं कोविड है, क्योंकि सरकार की और निर्वाचन की सीधे तौर पर यह मंशा है कि एक पोलिंग बूथ के ऊपर लगभग 1,000 जो है मतदाता ही सीमित रहे। हालांकि जिस तरीके से मतदान पोलिंग बूथ की बाहर की बात की जाए तो लगभग 20 लोगों को एक साथ खड़े होने की व्यवस्था की जाएगी, जिसकी दूरी लगभग 6 फीट होगी, यानी एक मतदाता से दूसरे मतदाता के बीच की दूरी को 6 फीट रखा गया है। और साथ ही जिस तरीके से मतदान करने अगर मतदाता आ रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण उनको मास्क पहनना होगा, अगर मास्क मतदाता पहन के नहीं आ रहे हैं तो निर्वाचन द्वारा उनको जो है मास्क उपलब्ध कराया जाएगा, सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था। चलिए अतुल, मैं आपको रोक रही हूँ, लौटूंगी मैं आपके पास। हमारे साथ ग्वालियर से विनोद शर्मा भी जुड़ गए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ग्वालियर चंबल जो सीट है वहां पर सबसे ज्यादा अतिरिक्त पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, वजह भी समझना चाहेंगे। और लगभग जैसा कि अतुल भी जिक्र कर रहे थे कि मतदान केंद्रों को बढ़ाया गया है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को अच्छे से देखना ये एक बड़ी चुनौती है, तो कैसी व्यवस्थाएं की गई है विनोद? देखिए, ग्वालियर में 1,000 से ऊपर जहां मतदाता हैं उन मतदान केंद्रों को बढ़ाया गया है और 250 से ज्यादा मतदान नए केंद्र बनाए गए हैं तीनों विधानसभा में, ग्वालियर सदर, ग्वालियर पूर्व और डबरा में। और साथ ही यहां पर 3 लाइनें रहेंगी, जिसमें एक जो लाइन रहेगी वो महिलाओं की रहेगी, दूसरी लाइन की रहेगी और तीसरी लाइन जो बुजुर्ग हैं या दिव्यांग हैं उनके लिए रहेगी। साथ ही टोकन सिस्टम भी रहेगा, अगर ज्यादा भीड़ होती है तो टोकन दे दिया जाएगा, उस टोकन के आधार पर आप मतदान केंद्र पर पहुंच सकते हैं और उसके बाद अगर भीड़ दिखती है तो टोकन लेकर आराम से बैठ सकते हैं इधर उधर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। साथ ही जो निर्वाचन आयोग के जिस तरह से स्पष्ट निर्देश है कोविड गाइडलाइन का जो पालन करेंगे 90 गाइडलाइन का, उसके तहत मास्क रहेंगे मतदाताओं के चेहरे पर, सैनिटाइजर रहेगा और अगर कोई मतदाता मास्क लेकर नहीं आ पाता है तो वहां उसको मुहैया कराए जाएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं कई स्थानों पर, इसके साथ जो वाहन है जो ये सामग्री आज लेकर रवाना होंगे उनमें जीपीएस सिस्टम लगाया गया है और जो फ्यूल है वो मौके पर ही भराया जाएगा ताकि वाहन इधर उधर ना हो सके। इसके साथ ही सुरक्षा के लिहाज से कई कंपनियां, तकरीबन 3 कंपनियां ग्वालियर तैनात रहेंगी, इसमें बीएसएफ भी रहेगा, एसएएफ भी रहेगा और जिला पुलिस बल रहेगा, तो एक बड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी क्योंकि काफी संवेदनशील जो सीट है उसमें ग्वालियर पूर्व और ग्वालियर सदर को माना जा रहा है, इसको लेकर यहाँ पर ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ साथ जो पेट्रोलिंग रहेगी, अधिकारियों को नियुक्त किया गया है वो लगातार मतदान केंद्रों पर पेट्रोलिंग करते रहेंगे,
साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, अगर कहीं किसी को कोई गड़बड़ी दिखती है या किसी तरह की कोई समस्या है तो उस पर डायरेक्ट वो जो कंट्रोल रूम बनाया गया है चुनाव के लिए, तो उस कंट्रोल रूम पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके साथ साथ मतदान केंद्रों पर जो कर्मचारी रहेंगे उनके लिए डॉक्टर की नियुक्ति की जाएगी कि अगर किसी कर्मचारी को कोई परेशानी होती है तो वो डॉक्टर से संपर्क कर सकता है। अगर कोई कोविड पीड़ित व्यक्ति है तो उसके लिए अलग से एक गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें वो पीपी किट और मास्क लगाकर संबंधित पीपी किट लगाकर वो आ सकता है और बाद में वो मतदान करेगा। मतदान समय के जो 5 बजे के बाद उसको बुलाया जाएगा और उसको अलग से मतदान कराया जाएगा। तो इस बार बड़ी सुरक्षा की जा रही है, हर तरह से कोविड गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, किसी तरह की कोई चूक ना हो जाए इसको लेकर लगातार प्रशासन बैठक कर रहा है और अभी कुछ देर बाद इस पूरे मामले को लेकर जो कलेक्टर हैं जिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी वो इस पूरे मामले को लेकर अभी चर्चा करेंगे मीडिया से और वो बताएंगे कि किस तरह से उनकी व्यवस्था रहेगी। एसपी भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। तो एक माकूल इंतजाम किए गए हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव है, लिहाजा ग्वालियर मुरैना, मुरैना में 5 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव है और भिंड में 2 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव है, दतिया में, भंडेर में चुनाव है, ग्वालियर में 3 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव है। लिहाजा इस अंचल में सबसे ज्यादा जो चुनाव पर फोकस है वो रहेगा, यहीं सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार किया गया था, सबसे ज्यादा जो स्थिति निर्धारण करेगी, जो दिशा और दशा निर्धारण करेगी वो ग्वालियर चंबल संभाग से। चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विनोद। और वैभव आपसे जानना चाहेंगे किसी भी चुनाव के समय सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली चीज होती है वो है सुरक्षा व्यवस्था, लेकिन इस बार प्रशासन के लिए एक और टास्क बढ़ गया है कि कोविड-19 को भी ध्यान में रखना है। इससे पहले आपने हालांकि जिक्र किया था कि तमाम व्यवस्था की गई है लेकिन साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था भी देखना, तो इन दोनों ही चीजों को किस तरीके से प्रशासन तालमेल बिठाने की कोशिश करेगा, क्या दोनों के लिए अलग अलग टीमें होंगी? वैभव बिल्कुल, टीमें दोनों के लिए अलग अलग है, बिल्कुल बुशरा, टीमें अलग अलग है, पुलिस की टीम अलग से जो है तैनात है, प्रशासन की टीम अलग है, कर्मचारियों की संख्या इस बार बढ़ाई गई है ताकि जो कोविड-19 के जो नियम है उसका पालन सही तरीके से मतदान केंद्रों में हो। तो जो संवेदनशील मतदान केंद्र है वहां पे अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की गई है क्योंकि उन बूथों पे सुरक्षा के साथ साथ जो है जिम्मेदारी ये भी होगी कि मतदाता शांतिपूर्ण तरीके से मतदान भी कर पाए, किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, इस लिहाज से जो है वहाँ जो मतदान कर्मी हैं उनके जो तैनात रहेंगे वो तो रहेंगे, अतिरिक्त तौर पर जो मतदान कर्मियों की तैनाती वो भी की गई है ताकि कोई अगर किसी की गड़बड़िया कोई होती है, किसी की तबीयत अगर कोई खराब होती है, किसी को कोई समस्या होती है तो तत्काल जो है वहां पे दूसरे मतदान कर्मियों को भेजा जा सके। इसके अलावा जो सुरक्षा कर्मी है उसकी संख्या भी जो है संवेदनशील मतदान केंद्रों में ज्यादा रहेगी। सामान्यतः जो है 4 सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं मतदान केंद्रों में, लेकिन वहां पे अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती रहेगी। कुछ ऐसे जो संवेदनशील मतदान केंद्र है जहां पे हमेशा ये आशंका बनी रहती है कि वहां अव्यवस्था हो सकती है, हंगामा हो सकता है, कुछ बातें बिगड़ सकती है, तो वहां पे सीआरपीएफ को भी तैनात किया गया है। तो सीआरपीएफ की 3 कंपनियां अलग से तैनात की गई है, तो जिला पुलिस बल, सीआरपीएफ की कंपनियां और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के जो जवान हैं वो तैनात रहेंगे और दूसरे जिले से जो बल आए हैं ज्यादातर उनका इस्तेमाल किया गया है ताकि किसी भी तरह का कोई भी सवाल स्थानीय स्तर पर न उठाया जा सके। चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए वैभव। अतुल आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी